नमस्ते मित्रों, बांबू ग्रोवर में आपका स्वागत है। मैं चिराग किसान और मोरबी गुजरात से। आज एक मित्र का क्वेश्चन था, उसको लेकर अपन आगे बात करेंगे। बांबू हमें कितना लगाना चाहिए, कितना बांबू हम लगाएं? तो उनका क्वेश्चन जो था वो शायद आप सबका भी क्वेश्चन रहता होगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप एट्रैक्शन से यूट्यूब चैनल पे या मीडिया के कोई भी माध्यम से आप बांबू को देख रहे हैं या आपने बांबू को उतना ही जाना हुआ है, तो आपको बांबू शुरुआती तौर पे 50 या 100 प्लांट लगाने चाहिए और वहां से सुनिश्चित करना चाहिए कि वो 50 से 100 प्लांट कौन से वैरायटी के हैं। यदि हो सके तो उसमें भी अलग अलग 3-4 वैरायटी लगानी चाहिए और उसमें से जो वैरायटी आपको सही आए एक साल के बाद में, वो वैरायटी आपको आगे लगानी चाहिए। यदि आप दूसरे टाइप के लोग हैं, यानी कि आप अगर बांबू लवर हैं, आपने सिर्फ एट्रैक्शन से बांबू को नहीं जाना है, आपने यूट्यूब के अंदर में 10, 20, 25, 50 वीडियो देखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर समझे हुए हैं, बांबू की वैरायटी को आप समझे हुए हैं, आपके आसपास से कहीं पर आपने बांबू को देखा हुआ है, तो आप 100 से 150 या 200 पौधे लगा सकते हैं। उसमें भी अगर आप 3-4 वैरायटी लगाएंगे तो आपको एक साल में समझ आ जाएगा कि आपके यहाँ कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा चलेगी। यदि आप टाइप ऑफ थ्री है, हाँ टाइप ऑफ थ्री का मतलब ट्रू लवर है, अगर आपने सिर्फ यूट्यूब पे अट्रैक्शन से नहीं, सिर्फ 3-4 बंदों के साथ बात करके ही नहीं, लेकिन ठटोला है आपने कि क्या वैरायटी है, आज वैरायटी को आप थोड़ा सा चयन करने में भी सक्षमता रखते हैं, उसके गुणधर्म को समझने में भी आप थोड़ा सा सक्षमता रखते हैं, या वो वैरायटी कैसी होगी वो भी आपको समझ में आने लगा है, तो आपको अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर से शुरुआत करनी चाहिए और वो बाउंड्री वॉल के अंदर में आपको बांस की 4-5 वैरायटी लगानी चाहिए। आपका कौन सा वो 4-5 वैरायटी में से बढ़िया वाली वैरायटी फास्ट ग्रोथ आपके यहाँ पर हो पाती है, उस वैरायटी से आपको अगले साल में कदम रखना चाहिए, जिससे आप 30 से 40 साल तक उस प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को 100% ले पाए। नंबर आता है 4, क्या आप डिवोटी है बांबू के लिए? क्या आपको दिमाग के अंदर में अंदर से आवाज आ चुकी है क्या बांबू ही मेरे लिए सब कुछ है? आपने सारी चीजों का ट्रायल कर लिया है और उसके बाद लगता है कि नहीं, यही सही है, फ्यूचर मेरे को बांबू के अंदर में दिखता है और बांबू ही मेरे लिए ओके रहेगा, तो खड़े होकर खेत से बाहर निकलकर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए कहीं बाहर भी जाना पड़े, जिन्होंने बांबू लगाए हुए हैं, जो बांबू के बारे में बोल रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी, साइंटिस्ट जो बांबू के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां जहां फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही है, जंगल खाते के अंदर में से बांबू को जानिए, बाहर निकलिए और बांबू को वहां आपके आसपास में 2 साल 3 साल पुराने जिस किसी ने भी लगाए हैं, वहां जाकर फार्मर ने क्या क्या भूले की हुई है, उनकी क्या क्या बढ़िया तरीके की चीजें हुई थी जिससे उसका अपस्टेक मिला और ज्यादा उसको उसमें रुझाव बढ़िया मिला, क्या करने से बांबू में और बढ़िया चीजें उनको देखने, सोचने, समझने में मिली, उसको समझिए और वो समझ के फिर बांबू को आगे बढ़ाइए, तो आप बांबू को और बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। और नंबर 5 आता है नीड, क्या आपकी खुद की नीड ही है? आपने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है, बहुत पैसे खर्च कर लिए हैं, अब आपको समझ में आता है नहीं नहीं परंपरागत भी कर लिया, हॉर्टिकल्चर भी कर लिया, वुड की कई सारी वैरायटी भी कर ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ चीज करनी है जिसमें कम से कम पैसा लगे, कम से कम आदमी की झंझट हो, कम से कम तजुर्बे से काम हो जाए, सिर्फ कुछ चीजें मेरे लिए कोई करके दे दे और मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ये सारी चीज तब मुमकिन है जब एक्सपीरियंस जिन्होंने ज्यादा लिया हुआ है उनका एक्सपीरियंस आप या तो पैसा देकर या यारी दोस्ती से या कॉमर्शियल एंगल से उनके साथ जुड़ के करिए और सुनिश्चित करिए कि आपके लिए क्या चीज आगे बढ़ेगी, या तो रिस्क लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है रिस्क लेने के अंदर में, आपके पास पैसा ज्यादा है पैसे का रिस्क लीजिए, आपके पास समय ज्यादा है समय का रिस्क लीजिए, जो आपके पास में ज्यादा है, जो चीज से आप आगे बढ़ पाते हैं उसको आगे बढ़ा के आप कितना बांबू का फार्मिंग करना उसको समझ पाएंगे। कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, तो खुद फार्मर है,
और आपको फार्मिंग पे ही काम करना है तो सिर्फ बाउंड्री वॉल से आपकी नीड है, आप बीच में जो भी कर रहे हैं फार्मिंग उसके लिए एनिमल प्रोटेक्शन जरूरी है, तो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए बंबू फार्मिंग करिए। ऐसी चीजों का चयन करिए जो 20-30 फीट की ही हाइट होती हो और इंटरलॉकिंग करता हो, ताकि 1.5-2 साल के अंदर में, 2 बारिश के अंदर अंदर में आपका बाउंड्री जो है वो कंप्लीट कर दे। यदि आप परंपरागत खेती कर रहे हैं और उसमें पास वाले की पेस्टिसाइड आपको तकलीफ करवा रही है तो एग्रोफोरेस्ट्री करिए और एग्रोफोरेस्ट्री से सुनिश्चित करिए कि वहां से अंदर की तरफ में पेस्टिसाइड ना गुजर सके। तीसरी चीज, यदि आप कॉमर्शियल एंगल से फार्मिंग करना चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक पे काम करिए, 3 से 4 एकड़ का बांबू फार्मिंग करिए, उसके अंदर में 4-5 वेराइटी लगाइए और वो वेराइटी से सुनिश्चित कर लीजिए कि अब आगे और फार्मिंग के लिए मेरे को कौन सी वेराइटी मेरे लिए, मेरी प्रैक्टिस, मेरी सोइल, मेरी वेदर के हिसाब से ये सही रह रहा है। टाइम को लेस होने दीजिए और फास्ट ग्रोइंग से आप अपना काम कर लीजिए। यदि वुड प्रैक्टिस में जा रहे हैं, वुड के रिलेटेड काम कर रहे हैं, मोगिनी, लुमिया डुमिया, नीलगिरी, साग या दूसरी कोई भी वुड वाली वेराइटी आपने लगाई हुई है या लगाना चाहते हैं, तो उसके अंदर में क्या दिक्कतें आपको आ रही है, क्या उसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उसका जो स्टंप बनना चाहिए क्या वो नहीं बन रही है, क्या हाइट बननी चाहिए वो हाइट नहीं बन रही है, क्या आपके यहाँ पर 3 फीट की काली मिट्टी या बढ़िया मिट्टी आ रही है, उसके नीचे जो मिट्टी आ रही है चाहे वो 7 फीट में, चाहे वो 10 फीट में या 12 फीट में, लेकिन वो खारिया मेट है, वहां पर खारास जो है वो उभर के बाहर आ रही है, पानी वहां पर जो है वो तकलीफ में ला रहा है, जब आपका गणेश मूल वगैरह आ रहा है तब भी आप उस तरीके की अगर गणेश मूल वाली चीजों का चयन करेंगे तो भी आपकी वहां प्रैक्टिस गलत होगी। तो आप बांबू का ही चयन करिए, तंतु मूल बांबू के अंदर में आता है, 2.5 से 3 फीट तक ही बांबू नीचे जाता है और वो तंतु मूल होने के कारण आपको आगे बढ़ पाएगा, आगे बढ़ाने में इजी हो पाएगा। या वुड की दूसरी वेराइटी जहां पर 3-3 साल के बाद, 5-5 साल के बाद हार्वेस्टिंग आता है, वहां पर सिर्फ आप 4 साल के लिए अपना स्टेमिना रख के, अपना बजट सुनिश्चित करके 4 साल तक अगर आगे बढ़ जाते हैं तो हर साल आप बांबू में से हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, आगे सुनिश्चित करने पे हमारा यूजेस लीजिए, किस तरीके से आप और हम मिलकर आगे काम कर सकते हैं और कितना बांस कम से कम लगाए, जितना बांस हम खुद बेच पाए ये सुनिश्चित करें। थैंक यू वेरी मच।